Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I have with me a BJP's Dumka candidate Louis Marandi, who defeated Hemant Soren in the 2014 assembly elections. Welcome to the print, ma'am. आपको लगता है मैम बीजेपी जो है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस बार ये विधानसभा का इलेक्शंस है इसमें मुद्दे उठा रही है हिंदुत्व का अयोध्या मंदिर का धारा 370 हटाने का और जो इन्होंने कश्मीर से हटाया फिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का तो ये क्या एक असेंबली इलेक्शन में कितना इम्पॉर्टेंट है कोई इम्पैक्ट होता है इसका देखिए हम इतना ही कहेंगे कि हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है और इतिहास पढ़ते हुए बहुत सारे राजा महाराजा की हम लोगों ने कहानी पढ़ी या जो जो काम उन्होंने किया वो सारा हम लोगों ने देखा देश के जनता हमेशा से धारा 370 के विषय में पढ़े हैं और सुने हैं लेकिन हम भगवान के प्रति बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं भगवान को कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री भारत को दिया हिंदुस्तान को दिया जिन्होंने इतना साहसी कदम उठाया और जो उन्होंने एक इतिहास रच दिया हम लोगों ने इतिहास पढ़ा था लेकिन वर्तमान समय में न्यू जनरेशन जो है जो भविष्य को गढ़ेंगे उन लोगों ने इतिहास गढ़ते हुए देखा लिखते हुए देखा तो हम कहेंगे इतना साहसी प्रधानमंत्री ना पहले हुआ था ना भविष्य में होगा और देश के जनता ने इसे पसंद किया है यहाँ पे एक और चीज़ जहाँ हम गए एक चीज़ उभर के आ रही है वो है बेरोजगारी जो यूथ्स में जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है काफ़ी माइग्रेशन हो रहा है आउटसाइड झारखंड तो उस बारे में आप क्या कहेंगी नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड में हम लोगों ने मोमेंटम झारखंड और स्किल मोमेंटम इस तरह का हम लोगों ने कई कई कार्यक्रम कराया है और स्किल डेवलपमेंट लगभग हर एक जिला में है या हर एक मंडलों में भी है दुमका में भी जैसे कई कई सेंटर यहाँ पर चलता है मेरे वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम लोग कई कई जगह पर कल्याण गुरुकुल करके हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर लाए हैं और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है हम आपको बता दें एक लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया है या दोनों नौकरी चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया है इतना बड़ा गैप के बाद पहली बार इस समय इतने लोगों को रोजगार दिया गया है इसीलिए हमने आपको कहा कि 5 साल सबका इलाज नहीं हो सकता ना थोड़ा सा तो और समय चाहिए लेकिन बेरोजगारी घटी है यहाँ पे जो गठबंधन का है केएमएम कांग्रेस का तो उनका कैसा मतलब प्रोस्पेक्ट है क्योंकि ये तो प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट में जेएमएम का काफ़ी होल्ड रहा है आपने 2014 में पहली बार जेएमएम के जो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट थे हेमंत सोरेन को हराया तो आपको क्या लग रहा है कि अब मतलब ट्राइबल्स भी धीरे धीरे जो ट्राइबल वोट बैंक है वो शिफ्ट हो रहा है जेएमएम की देखिए मौसमी हमने आपको शुरू में ही कहा कि 2014 में जब हम बीजेपी से चुनाव लड़े तो एक साधारण बीजेपी का कार्यकर्ता थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का या बीजेपी का जो कार्यशैली है हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं जनता के सुख दुख में हम लोग खड़े होते हैं और हम लोग उन्हें बरगलाते नहीं हैं जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम उतना ही बोलते हैं हम सपना नहीं दिखाते कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम जो कर सकते हैं उतने ही बातें बोलते हैं कि 2014 में हेमंत जी को तत्कालीन सीएम रहते हुए दुमका के जनता ने उसे हराने का काम किया था तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल का बात आ रहा है तो ट्राइबल का जो मानसिकता है वो एक होता है ना कि जो आप सदियों से अपने हमको वोट बैंक मात्र समझ के रखा अब ऐसा नहीं हो सकता है हमारे युवाओं का हमारे यूथ का जो विचार है बिल्कुल बदल गया है और वो डेवलपमेंट के साथ जुड़ गए हैं और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं सामान्य लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के कदम से कदम मिला के वो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का वो साथ दे रहे हैं थैंक यू मैम